पर एक बहुत ही सुंदर ड्रैगन ब्रिज है, जिससे हम ये जो पगोड़ा है ये ड्रैगन है और ये उसकी कुछ लोग प्रे कर रहे हैं यहाँ पर। एनीहाउ हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आपको ड्रैगन पार्क लेके जाने वाली हूँ। आपको मेरे पीछे ये शानदार ड्रैगन तो दिख ही रहा होगा। ये इस पार्क का सिर्फ एंट्रेंस ही है, बस एक ट्रेलर ही है। अभी आगे और भी बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये जो आपको ये कमान दिख रही है, इसी के पीछे बड़ा सा ड्रैगन स्टैचू है। हम वहीं चलते हैं अब। ये देखिए कितना शानदार ज़बरदस्त ड्रैगन स्टैचू है ये, और इसके नीचे यहाँ पर भी सारे ड्रैगन्स ही है। और ये जो नीचे जो है फेसेस, ये सारे इनके जो है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। ड्रैगन को बहुत मानते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ड्रैगन का मतलब होता है गुड लक, स्ट्रेंथ, पावर। तो इसलिए ड्रैगन आपको काफी जगह पर यहाँ पर दिखेगा। इस पार्क का जो डेकोर है, इसका जो मेन थीम है, ये ड्रैगन ही है। और आप देख सकते हो कि ये पार्क कितना सुंदर है। अभी हम अंदर चलते हैं पार्क के, अंदर का दिखाती हूँ मैं आपको। पार्क के अंदर एक लेक है और वहाँ पर काफ़ी चाइनीज आर्किटेक्चर है उस ब्रिज की तरफ, तो मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर काफ़ी कलरफुल है सब। ये काफ़ी पुराना पार्क है आई थिंक, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे पेंटिंग्स वगैरह के कलर्स भी गए हैं, और एक सुंदर सा लेक भी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कितना कलरफुल है, ये ब्लू रेड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो तो वहाँ पर एक ड्रैगन वॉल है और वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन हेड्स निकाले हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आप मुझे काउंट करके बताइए उधर कितने सारे ड्रैगन हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, गिन लीजिए कितने हैं। मैं आप थोड़ा आगे जा रही हूँ, आगे जा रही हूँ, आगे जा रही हूँ। और ये वॉल यहाँ पर एंड हो गई। आई होप आपने ड्रैगन हेड्स यहाँ पर कैलकुलेट किए होंगे कितने सारे हैं। और सिर्फ दीवारों पर ही नहीं, यहाँ की पोल्स पर भी ड्रैगन है। ड्रैगन पार्क है तो ऑब्वियसली सब जगह पर ड्रैगन ही ड्रैगन है। क्या आपने ऐसा पार्क देखा है पहले कभी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तो मैंने संजन के आपको बहुत सारे पार्क दिखाए हैं पिछले सारे वीलॉग्स में, मगर ये जो पार्क है यहाँ पर काफ़ी जगह पर सिर्फ ड्रैगन्स ही दिखेंगे आपको। कहीं पे ड्रैगन हेड्स दिखेंगे, कहीं पे ड्रैगन का स्टैचू दिखेगा। तो ये बहुत ही सुंदर पार्क है और यहाँ पर एक मंदिर भी है जहाँ मैं आपको लेके जाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ के पार्क्स में आप जब भी घूमोगे आपको कहीं पर तो कुछ गाना सुनाई देगा, कोई गाना गा रहा होगा, कहीं पर कोई ग्रुप डांस कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत कॉमन है। और अभी भी मुझे यहाँ पर कोई गाना गाते हुए सुनाई दे रहा है। चलते हैं और देखते हैं कि इस पार्क में कौन गाना गा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा चाइनीज़ गाना भी सुनाती हूँ, एक लाइव परफॉर्मेंस दिखाती हूँ मैं आपको। Wonderful,
ये तो केटीवी के जैसे ही है, यहाँ पे स्क्रीन पे गाने चल रहे हैं और वहाँ पर लिरिक्स भी आ रहे हैं जिनको देख कर आप गा सकते हो, और ये कोई भी गा सकते हैं। देखिए इनका अरेंजमेंट, पार्क में ही कितना कुछ अरेंज करके रखा है। लगकर ही एक स्ट्रीम भी है और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ड्रैगन ब्रिज है जिससे हम ये जो स्ट्रीम है वो क्रॉस करके हम उस तरफ जाएंगे। तो चलते हैं अभी हम इस ब्रिज से उस तरफ और इन लोगों को थोड़ा हटने दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ड्रैगन हेड, ये देखिए यहाँ पर ये ड्रैगन हेड लगाया हुआ है। तो ऐसे इस ब्रिज में हर तरफ ये ऐसे ड्रैगन हेड लगाया हुआ है। ये ब्रिज एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहा है बिकॉज दोनों तरफ ये रेड कलर के पोल्स है एंड ऊपर यहाँ पर कलरफुल इनके पेंटिंग्स, यहाँ पर चाइनीज पेंटिंग है, यहाँ पर अपना कलरफुल पिकॉक, ये सब बहुत सुंदर है। और यहाँ पर ये स्ट्रीम जहाँ पर कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हम बाद में नीचे जाएंगे तो मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखाऊंगी। नीचे से भी एक क्रॉस करने का, जाते वक्त नीचे से जाते हैं, अभी ब्रिज से चलते हैं। आ गए हम ये ब्रिज के एंड में और अब ब्रिज से जैसे ही उतरेंगे ना आपको ये दिखेगा, ये देखिए ये ड्रैगन है और इसके पीछे यहाँ पर ना वो क्या बोलते हैं उसका उसका बॉडी एक्सटेंड हो रहा है पीछे की तरफ, वो शायद एग्जीबिशन है वहाँ पर। ये कितना सुंदर बनाया है यहाँ पर, फोटोज निकाल रहे हैं। ये जो पगोड़ा है ये आरहट पगोड़ा है। तो पगोड़ा जो होता है वो कहते हैं कि ईवल शक्तियाँ जो रहती है उनको वो दूर रखता है, इसलिए यहाँ पर कहीं जगहों पर आपको पगोड़ा दिखेंगे। कुछ लोग यहाँ पर प्रे भी कर रहे हैं और यहाँ पर ये ड्रैगन के साथ एक स्टैचू भी है, ये क्यूट इन लालटन लेके फोटोज निकाल रही है। वो कितना क्यूट भाग रहा है उसके पीछे। एनीहाउ सो स्वीट, ओह माय गॉड, उसको देखो मिकी माउस का कैप डाल के आया है। उसके पीछे ओके बाय बाय, ए नियाओ, ए ने बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। तो कुछ ध्यान नहीं है। कितना क्यूट था ना वो बच्चा, वो मिकी माउस की कैप डाल के। और बच्चे वैसे भी क्यूट ही होते हैं बट कभी कभी यहाँ पे उनके पेरेंट्स भी थोड़े कोऑपरेटिव होते हैं, दे डोंट माइंड अगर हम उनको शूट करेंगे तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज मुझे बहुत क्यूट लग रहा था वो। ये ड्रैगन है और ये उसकी ये एक्सटेंडेड उसका बॉडी जो है ये पूरा यहाँ पर शायद एग्जीबिशन है, देखते हैं ये खुला है या नहीं। शॉप है ये शायद।
एग्जीबिशन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर शॉप है, सॉरी, यही इनके सारे चाइनीज रखे हैं आर्टिफैक्ट्स। देखो क्या है, छोटे छोटे चाय के, मुझे टी कप्स इनके ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे मेटल के है ये, कुछ रॉक्स है, बहुत छोटे छोटे, ये जेड के सारे यहाँ पर रखे हुए हैं उन्होंने शॉप। ये क्या है यार, ये देखो इसमें छोटा सा पगोड़ा अंदर घूम रहा है, अगर आप देख सकते हो तो, ये कितना मस्त है। और ये देखो एनीवेज हम चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। ये सारी वो ड्रैगन का ही वो बॉडी है जो, तो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ड्रैगन का एक्सटेंडेड बॉडी, हमने यहाँ पर पूछा तो यहाँ पर एक्चुअली जेड जो यहाँ पर बहुत पॉपुलर है ना स्टोन, तो उसका यहाँ पर ट्रेड एंड एक्सपो फेयर वगैरह लगता रहता है, बट फिलहाल वो बंद है। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ ये टेंपल, ये न्यू ईयर के वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है, फिर किसी दिन आ जाएंगे इस टेंपल, देखते हैं फिर कभी अगर हुआ तो आ जाएंगे। मैंने कहा था ना यहाँ पर स्ट्रीम है, अब हम स्ट्रीम की तरफ आ गए हैं, अब हम आ गए हैं झील की तरफ, और वो जो ब्रिज दिख रहा है उसको क्रॉस करके हम उस तरफ चले जाएंगे। ये देखो ये लोग यहाँ पर छुट्टियाँ है तो कैसे फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये लोग फिशिंग गैस बेच भी रहे हैं, कुछ चाहिए तो यहीं से भी खरीद सकते हैं। फिश पकड़ा, ओ ये देखो छोटी सी आ रही है, ये रेड में कितनी मस्त क्रॉस करके आई है छोटी सी, और वो जो ब्रिज दिख रहा है वहीं से हम आए थे, मैंने आपको वहीं से दिखाया था। तो देखिए ये लोग न्यू ईयर का छुट्टी है तो कैसे सब आए हैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ और कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये देख पिचकारी लेके आया है, अच्छा है वहीं से पानी लो और वहीं से खेलो, वो भी लेके आए यहाँ पे बेच रहे हैं, और पानी कितना क्लियर है, ये साफ है, चले हम उस तरफ। ओके हम क्रॉस करेंगे अभी, टडंग 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 टडंग, हाँ अरे वो लड़का आया ना, मैं क्या करूँ, छोटी सी लड़की आ रही है अपने भाई के साथ, हाँ बच्चों के तो बहुत मज़े हैं यहाँ पर, पानी भी गहरा नहीं है तो बहुत सारे छोटे बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। आ गए हम, ये क्या नेट में इधर इनको क्या मिलने वाला है, तो यही है वो पार्क जो मुझे आपको दिखाना था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करके फीडबैक शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।